हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के अप्रैल से अक्टूबर तक के करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए पिछले 6 महीनों में, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उनका विश्लेषण करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है SSC बैंक PO, UPSC रेलवेज, RBI ग्रेड बी और अन्य एग्जाम्स के लिए। टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल है। UPSC के लिए ऑप्शनल, GS दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। सबसे पहले बात करते हैं एक्टर पंकज कपूर की। पंकज कपूर को मिला आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। ये जागरण फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था मुंबई में, उसका नोवा अध्याय, वहां पे इन्हें ये अवार्ड दिया गया, आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा। राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड की अगर हम बात करें तो बेस्ट हेरिटेज सिटी है एक तो अहमदाबाद, जो यूनेस्को ने भी जिसे विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है, और दूसरा मांडू जो मध्य प्रदेश में है। ये हैं दो बेस्ट हेरिटेज सिटी भारत के। डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट का अवार्ड मिला कुतुब मीनार को, यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सबसे अनुकूल जो मीनार है या जो मॉन्यूमेंट है वो है कुतुब मीनार। बेस्ट हेरिटेज वॉक एक तो है इंटेक हेरिटेज वॉक्स दिल्ली और दूसरा है इंदौर हेरिटेज वॉक। मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट एक तो है विंटेज कार रैली, 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली, और एक है कोरल सफारी ऑफ चेन्नई। महाराष्ट्र की सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार दिया विजय पाटिल को। इन्हें राम लक्ष्मण के नाम से भी जानते हैं, ये संगीतकार हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं। इन्हें मिला लता मंगेशकर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिला डॉक्टर थॉमस पुकाडियल को। बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए गणेश नागरजू, केमिकल साइंस के लिए राहुल बनर्जी और स्वाधीन कुमार मंडल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल साइंस के लिए, क्योंकि एकमात्र फीमेल विनर इस साल की थी डॉक्टर अदिति सेन दे। इन्होंने डॉक्टर अम्बरीश घोष के साथ जीता फिजिकल साइंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसमें दो याद रखने हैं, फिजिकल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ONGC को इंफ्रा आइकॉन अवार्ड दिया गया ग्लोबल एनर्जी कैटेगरी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि एक महारत्न कंपनी है। हमारे फिल्म जगत का बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सिमी गरेवाल को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिमी गरेवाल को मिला है 2018 के लिए। आसाम की फिल्म है होई होबोत धेमलीट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेनबो फील्ड्स। इसे 3 पुरस्कार मिले लव फिल्म फेस्टिवल जो अमेरिका में हुआ था, लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये 3 अवार्ड थे, बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस दीपानिता शर्मा, और बेस्ट म्यूजिक अनुराज सैकिया। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विद्युत कोटोकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत कोटोकी। और असम की फिल्म विलेज रॉकस्टार्स वो इस बार भारत की ऑस्कर्स में गई है ऑफिशियल एंट्री के तौर पे, और विलेज रॉकस्टार्स को डायरेक्ट करा है रीमा दास ने। मशहूर कवि रमाकांत रथ, इन्हें उड़ीसा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार का नाम है अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान। ये मिला रमाकांत रथ को। विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 और 2018 ये अवार्ड किया गया इंग्लैंड की बार्मी आर्मी के द्वारा। मिस्टर प्रेम वत्स ये फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के फाउंडर हैं, इन्हें NRI ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, NRI ऑफ द ईयर। भारत का जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर तपन कुमार चंद ये नालको कंपनी के चेयरमैन हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल और एल्यूमिनियम द स्ट्रेटेजिक मेटल। इनको मिला नॉलेज एक्सेलेंस अवार्ड। नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अवार्ड मिला मिलन शंकर तारे को, मिलन शंकर तारे। गेम चेंजर एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स में मिला पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई को, और अब जो इनके बाद बनी है वो है रामोन लागुआर्ता। इन्होंने रिजाइन कर दिया 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर से पेप्सिको कंपनी के नए CEO हैं रामोन लागुआर्ता। UEFA प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बैकम को। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये मिला पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को। जनरल दलबीर सुहाग, इन्हें अमेरिका के द्वारा लेजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया।
दलबीर सिंह सुहाग को लेजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। ये हमारी भारत की जो आर्मी है उसके पूर्व चीफ हैं, इस वक्त हैं बिपिन रावत। सुनील छत्री, इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा। सुनील छत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। दिल्ली सरकार, इनके जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं एसके अरोड़ा, इन्हें WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला क्योंकि तंबाकू का सेवन रोकने में इन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। कीर्ति चक्र मिला सेपॉय ब्रह्मपाल सिंह को, शौर्य चक्र मिला मेजर आदित्य को और राइफलमैन औरंगजेब को। जो राइफलमैन है औरंगजेब, इन्हें यह मृत्युपरांत दिया गया। कीर्ति चक्र सेपॉय ब्रह्मपाल सिंह, शौर्य चक्र मेजर आदित्य और राइफलमैन औरंगजेब को। एनी जईदी, इन्हें मिला हिंदू प्लेराइट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू प्लेराइट अवार्ड। शलक सम्मान ये मिला मशहूर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जी को, शलक सम्मान। अनवर सदात, ये पहले भारतीय बने जिन्हें इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशंस अवार्ड मिला, अनवर सदात। मार्केटियर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, उसको दिया। और ये अवार्ड ले रहे हैं यहाँ पे आर एस सोधी जो चेयरमैन है इसके। जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला भनिता दास को विलेज रॉकस्टार के लिए। बेस्ट फिल्म है न्यूटन, इसके डायरेक्टर है अमित मसूरकर। और स्पेशल जूरी अवार्ड मिला विलेज रॉकस्टार को, जो रीमा दास ने डायरेक्ट किए। ये था ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। डॉक्टर बी के मिश्रा को डॉक्टर बी सी रॉय नेशनल अवार्ड मिला है। डॉक्टर बी सी रॉय, ये हाईएस्ट अवार्ड है जो डॉक्टर्स को दिया जाता है भारत में। शबाना आजमी और नंदिता दास, इन्हें मिला भारतीय मानवता विकास पुरस्कार, भारतीय मानवता विकास पुरस्कार। और भी लोगों को मिले ये, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह, वकील प्रामिला निसारगी और फ्लाविया एग्नेस, एक्टिविस्ट बेजवाड़ा विल्सन। बेजवाड़ा विल्सन को रामोन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्री विवेक देवरॉय, समाज सेवी उमा टूली, दलित राइट एक्टिविस्ट लेनिन रघुवंशी, मानवाधिकारों के जो एक्टिविस्ट हैं प्रवीण पाटकर, ग्रीन डिजाइनर अनिता आहूजा और सोशल एंटरप्रेन्योर अतुल सतीजा। लुका मॉड्रिच को यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार मिले। और लुका मॉड्रिच को गोल्डन बॉल भी मिला था, यानी जो वर्ल्ड कप हुआ था रशिया में, जिसको फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हराकर 4-2 से फाइनल में, तो लुका मॉड्रिच को गोल्डन बॉल यानी कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला था। तो तीन अवार्ड मिले हैं लुका मॉड्रिच को, क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर और गोल्डन बॉल। इसके अलावा मिडफील्डर जो था ऑफ द सीजन, वो भी लुका मॉड्रिच को ही मिला। बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ये मिला परनील हार्डर को। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द सीजन कीलर नवास, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन सर्जियो रामोस और फॉरवर्ड ऑफ द सीजन रोनाल्डो। जापान की तैराक रिकाको इक्की, इन्होंने इस बार 6 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल, टोटल 8 मेडल जीते तैराकी में एशियन गेम्स में। इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला। सानिया मिर्जा को हीरोज बिहाइंड द हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हीरोज बिहाइंड द हीरोज। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, इन्होंने एक अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है नमस्या। इनको 5 पुरस्कार मिले 20th माइंस एनवायरमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन वीक में। मशहूर उड़िया भाषा के कवि शत्रुघ्न पांडव, इन्हें सरला पुरस्कार मिला है। इनकी कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है मिस्र ध्रुपद, मिस्र ध्रुपद। ऐश्वर्या राय को मैरियल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला, मैरियल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अरुल चिनियन, ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, इन्हें आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड मिला है, अरुल चिनियन। मशहूर वैज्ञानिक और भारत रत्न जीत चुके CNR राव, इन्हें ऑनरेरी DSC मिला है, ऑनरेरी DSC 6th एनुअल कॉन्वोकेशन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत में जन्मी राजलक्ष्मी नंद कुमार को यंग स्कॉलर अवार्ड दिया गया है अमेरिका में, राजलक्ष्मी नंद कुमार। मशहूर लेखक और कवि सवाई सिंह शेखावत, इन्हें मीरा पुरस्कार दिया है राजस्थान की सरकार ने। टाटा स्टील जो कंपनी है, इसे स्टील इंडस्ट्री लीडर डिक्लेयर किया गया डाओ जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा, स्टील इंडस्ट्री लीडर। GMR हवाई अड्डा जो है, इसे
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ACI द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड नंबर वन एयरपोर्ट, यानी जो उपभोक्ताओं की जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर क्वालिटी, उसमें दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। केरला पर्यटन को पाटा अवार्ड मिले इनोवेटिव एड कैंपेन के लिए, तो इनके जो एड कैंपेन है दो, उसके लिए केरल को मिले दो पाटा अवार्ड्स। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, इन्होंने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया पंजाब नेशनल बैंक को हिंदी दिवस पर। पंजाब नेशनल बैंक को मिला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। खेल रत्न मिला इस बार दो खिलाड़ियों को, एक तो है वेटलिफ्टर मणिपुर की मीराबाई चानू और एक विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और मीराबाई चानू। भारत के प्रसिद्ध आर्टिस्ट उस्ताद इकबाल अहमद खान को मकूम म्यूजिक फेस्टिवल में सम्मानित किया गया, मकूम म्यूजिक फेस्टिवल में। डॉक्टर रघुपति सिंघानिया, ये जेके टायर कंपनी के मालिक हैं, इन्हें मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल, मैक्सिको की सरकार का ये जो विदेशी लोग हैं उनके लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को। डायरेक्टर वसन बाला, इनकी फिल्म है मर्द को दर्द नहीं होता, द मैन हु फील्स नो पेन, इसको टॉप अवार्ड मिला, जिसको बोलते हैं ग्रोल्च पीपल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड, ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। INSV तारिणी, जो भारत की 6 ब्रेव ऑफिसर गई थी नाविका सागर परिक्रमा पे तारिणी नाव में बैठकर, उनको मिला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, और इनकी जो लीडर थी वो थी कैप्टन वर्तिका जोशी। अनुष्का शर्मा को मिला है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच, इन्हें फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर जैसा मैंने बताया था, और साथ में गोल्डन बॉल। चेचन एक्टिविस्ट रशिया के ओयुक तितियाव, इन्हें मिला है यूरोपियन राइट्स अवार्ड, जिसको बोलते हैं वक्लाव हेवल प्राइज। इंडस टावर, जो अगर चीन को हटा दें तो दुनिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी है, इसे अभी अभी डेमिंग पुरस्कार दिया गया है। रामिनानी फाउंडेशन ने बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को अभी अभी सम्मानित करा है आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड देकर। वैष्णो देवी जो तीर्थ स्थल है, इसे भारत का सबसे साफ तीर्थ स्थल डिक्लेयर किया गया है, वैष्णो देवी। और ये पहाड़ियां कौन सी हैं, इनको बोलते हैं त्रिकुटा की पहाड़ियां, जहां पे ये स्थित है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी UNHCR ने नैनसंग रेफ्यूजी अवार्ड दिया है डॉक्टर इवान अतार अधाव को, डॉक्टर इवान अतार अधा। उड़िया हॉकी प्लेयर लिलिमा मिन्स, उड़ीसा की हैं ये, लिलिमा मिन्स को मिला है एकलव्य पुरस्कार। नोबेल प्राइज एक बार देख लेते हैं, इस बार लिटरेचर के लिए नहीं मिला, लेकिन लिटरेचर के लिए वैकल्पिक नोबेल मिला है, ये ग्वेडलूप की हैं, इनका नाम है मैरिसा कॉन्डे, इन्हें मिला है। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है नोबेल प्राइज विलियम नॉर्डहाउस और पॉल रोमर को। फिजिक्स के लिए मिला है आर्थर एश्किन, जेराड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड। डोना स्ट्रिकलैंड को 55 साल में पहली बार कोई महिला है जिन्हें फिजिक्स में नोबेल मिला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए मिला है जेम्स एलिसन और तासुकु होंजो को। केमिस्ट्री के लिए मिला है फ्रांसिस आर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और सर ग्रेगरी पी। और शांति पुरस्कार डेनिस मुकवेग और नादिया मुराद को। बिशन सिंह बेदी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन स्पिन बॉलर, इन्हें MH चिदम्बरम बर्थ सेंटिनरी अवार्ड मिला, MH चिदम्बरम बर्थ सेंटिनरी अवार्ड। पहला मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार, जो प्रोबिटी यानी कि अपनी राजनीति में ईमानदारी के लिए मिला, ये नीतीश कुमार को दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर NN वोहरा के द्वारा दिया गया, जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम नावा शावा के नाम से भी जानते हैं। जनकवि पी सवलराम पुरस्कार मिला सुधीर दलवी को, जो मशहूर मराठी एक्टर है, जनकवि सवलराम पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। पहला राज कपूर सम्मान सिनेमा में एक्सीलेंस के लिए आजीवन योगदान के लिए मिला है रमेश सिप्पी को। लंदन का जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन मतलब वहां का जो लोअर हाउस है, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है शत्रुघ्न सिन्हा को। बैंको अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव बैंक, भारत का सबसे अच्छा सहकारी बैंक का पुरस्कार मिला भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, बैंको अवार्ड दिया गया।
मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है भारत का? मध्य प्रदेश। अपने आजीवन योगदान के लिए मीडिया में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा पुरस्कार मिला इंदु जैन को। गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज यूनेस्को के द्वारा दिया गया, यह दिया जाता है पत्रकारिता में ब्रेवरी के लिए, यह मिला महमूद अबू जीद को। पहले इजिप्ट के खिलाड़ी जिन्हें इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर यानी PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, वो है मोहम्मद सलाह। भारत की बेस्ट ग्राम पंचायत है दिगंबरपुर, यह पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में स्थित है। मार्था फेरल पुरस्कार महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए मिला नादिया शफी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पुरस्कार मिला सभ्यसाची कौटूर को। बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट सहकारी समिति सोसाइटी जो है डिजिटल पे, उसका पुरस्कार मिला आदर्श क्रेडिट को। वी के कृष्ण मेनन पुरस्कार इस बार दिया गया महेंद्र चौधरी को, वी के कृष्ण मेनन पुरस्कार। पत्रकारिता में अपने आजीवन योगदान के लिए रेड इंक पुरस्कार मिला है मार्क टोली को। टी के रामनाथन पुरस्कार मिला है प्रजनेश गुन्नेश्वरन को, टी के रामनाथन पुरस्कार। डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला नर लोकेश, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। UK एंड एशिया इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर अवार्ड ये मिला डॉक्टर गुरु रेड्डी को। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल प्लेट्स ग्लोबल मेटल्स अवार्ड मिला है NMDC को। पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बांगा विभूषण ये मिला है आशा भोसले को। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडरशिप पुरस्कार अपने सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए मिला श्रीदेवी को। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इनकी किताब है फ्लाइट्स, इसके लिए मिला है ओल्गा तोकारजुक। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड, क्योंकि 6 महीने के थे तो कम से कम 70-75 अवार्ड्स थे जो आपको याद करने हैं, और अवार्ड्स पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 10 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो आप देखकर ही पूरे 6 महीने के अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट आप उनको जान गए हैं। इसका अभ्यास करिए, बार बार देखिए। इस वीडियो का PDF हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे बताइए कि जो गिलर्मो कानो पेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो किसे मिला है, गिलर्मो कानो। कौन सी भारत की फिल्म है जिसे 3 पुरस्कार मिले लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, दोनों के आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।